हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कंटिन्यू लेक्चर दैट इज़ किडनी फंक्शन टेस्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है और किडनी की क्या क्या फंक्शंस होते हैं। और किडनी फंक्शन टेस्ट में हमने यूरिया एस्टीमेशन, क्रिएटिनिन एस्टीमेशन और यूरिक एसिड एस्टीमेशन को हमने डिटेल में कवर किया था। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट को और ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट को। सबसे पहले हम कवर करेंगे ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट को। ये टेस्ट हमें ये बताता है कि किडनी में जितने भी नेफ्रॉन्स हैं उसमें जो मेनली ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। क्या वर्क होता है उसका? ब्लड को फिल्टर करना। तो जो ग्लोमेरुलर है वो किस तरीके से फंक्शन कर रहा है उसको चेक करने के लिए हम GFR को मेजर करते हैं। GFR का मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसका क्या मतलब होता है कि दोनों किडनी में जितने भी नेफ्रॉन्स हैं वो पर मिनट कितना ब्लड फिल्टर करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि GFR। GFR की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 120 ml पर मिनट या फिर 180 लीटर पर डे। यानी कि दोनों किडनी में जितने भी नेफ्रॉन्स हैं वो पर मिनट 125 ml ब्लड फिल्टर करते हैं और पर डे 180 लीटर। तो ये होती है GFR की नॉर्मल रेंज। बट अगर किडनी में कोई परेशानी है या फिर जो ग्लोमेरुलस है वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है तो इस कंडीशन में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बहुत लो हो जाता है। तो ग्लोमेरुलस किस तरीके से फंक्शन कर रहा है ये चेक करने के लिए हम GFR को मेजर करते हैं। अब GFR को मेजर करने के लिए जिस टेस्ट का यूज़ किया जाता है उसका नाम है क्लियरेंस टेस्ट। देखिए क्या मतलब होता है क्लियरेंस टेस्ट का। किडनी में जितना भी ब्लड फिल्टर हो रहा है एक मिनट के अंदर उसमें से किसी भी सब्सटेंस को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाए, कम्प्लीटली निकाल दिया जाए एक मिनट के अंदर, वो होता है क्लियरेंस टेस्ट। यानी कितना ब्लड किसी भी सब्सटेंस से कम्प्लीटली क्लियर हो जाता है एक मिनट के अंदर उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस टेस्ट। तो किडनी में कितना ब्लड फिल्टर होता है एक मिनट के अंदर उसको मेजर करने के लिए, यानी कि GFR को मेजर करने के लिए हम क्लियरेंस टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे GFR को मेजर करने के लिए हमें एक सब्सटेंस चाहिए जिसका हम क्लियरेंस टेस्ट में यूज़ कर सकें। तो उस सब्सटेंस की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? सबसे पहली चीज़, वो सब्सटेंस फ्रीली फिल्टर्ड होना चाहिए, ओके, ना ही वो सिक्रीट हो और ना ही वो रीअब्सॉर्ब हो, ठीक है। वो सब्सटेंस टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, एक्यूरेट हो और हम इजीली उसको एस्टिमेट कर सकें, ऐसा सब्सटेंस वो होना चाहिए। देखिए नॉर्मली क्या होता है, ब्लड जो होता है वो ग्लोमेरुलस तक आता है, कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो फिल्टर होकर रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो ट्यूब्यूल से सिक्रीट हो जाते हैं और फिर जो बची चीज़ें हैं वो यूरिन में आ जाती हैं, ठीक है, ये नॉर्मली होता है। तो हमें एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो ग्लोमेरुलस से फ्रीली फिल्टर हो और जितना अमाउंट फिल्टर हुआ है उतना ही अमाउंट एज इट इज़ यूरिन में आ जाए। यानी जितना अमाउंट सब्सटेंस का फिल्टर हुआ है उतना ही अमाउंट जो है यूरिन में एज इट इज़ एक्सक्रीट हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सब्सटेंस लें प्रोटीन, प्रोटीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो ग्लोमेरुलस तक तो आता है बट वो फिल्टर नहीं होता, वापस से बॉडी में चला जाता है, तो प्रोटीन के ऊपर हम क्लियरेंस टेस्ट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड सब्सटेंस ग्लूकोज, ग्लूकोज एक ऐसा सब्सटेंस है जो ग्लोमेरुलस तक तो आता है, फिल्टर भी हो जाता है लेकिन PCT में ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हो जाता है, तो ग्लूकोज पे भी हम क्लियरेंस टेस्ट नहीं करते हैं। थर्ड सब्सटेंस है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो ग्लोमेरुलस तक आता है, फिल्टर हो जाता है, रीअब्सॉर्ब नहीं होता लेकिन थोड़ा सा अमाउंट ट्यूब्यूल्स में से सिक्रीट हो जाता है क्रिएटिनिन का, तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट हम करते तो हैं बट ये क्लिनिकली यूज़ किया जाता है क्योंकि ये इतना एक्यूरेट नहीं होता है। ऐसे ही एक सब्सटेंस है यूरिया। यूरिया भी ग्लोमेरुलस से फिल्टर होता है लेकिन थोड़ा सा अमाउंट जो होता है यूरिया का वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है, तो इसीलिए यूरिया क्लियरेंस टेस्ट भी अब नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इतना एक्यूरेट नहीं होता है। एक सब्सटेंस है जिसका नाम है इनुलिन। इनुलिन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो ग्लोमेरुलस तक आता है, फ्रीली फिल्टर होता है, ना ही वो रीअब्सॉर्ब होता है ना ही वो सिक्रीट होता है, एज इट इज़ जितना अमाउंट फिल्टर होता है उतना ही अमाउंट एज इट इज़ यूरिन में आ जाता है। तो जो इनुलिन क्लियरेंस टेस्ट होता है वो एकदम एक्यूरेट और बेस्ट मेथड होता है GFR को मेजर करने के लिए। इनुलिन क्या होता है?
इनुलिन एक सब्सटेंस होता है जो कि डहेलिया की रूट से निकलता है, ठीक है। डहेलिया जो होता है ये एक पौधे का नाम होता है, तो उसकी रूट से इनुलिन निकलता है। कैसे हम इसको मेजर करते हैं इनुलिन को? सबसे पहले क्या होता है कि हमें इसकी डोज जो है वो इंजेक्शन के माध्यम से देनी पड़ती है, ठीक है। हमें पेशेंट को दो डोज देनी होती है इनुलिन की, जिसमें फर्स्ट डोज जो होती है वो होती है 250 ml ऑफ NS में 30 ml ऑफ 10% इनुलिन जो होता है वो इन्फ्यूज़ किया जाता है, और उसकी जो रेट होती है वो 20 ml पर मिनट होती है। सेकेंड डोज जब हम देते हैं तो वो होती है 50 ml ऑफ NS में 70 ml ऑफ 10% इनुलिन जो है वो इन्फ्यूज़ किया जाता है, और उसकी जो रेट होती है वो 4 ml पर मिनट होती है, जिससे एक डिज़ायर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मेंटेन रह सके। इसके बाद पेशेंट को बोलना है कि सेकेंड डोज देने के 20 मिनट्स के बाद उसको एक यूरिन का सैंपल जो है वो डिस्कार्ड करना है, और एग्जैक्ट टाइम नोट करना है डिस्कार्ड करने का, और डिस्कार्ड करने के एक घंटे के बाद पेशेंट का एक यूरिन का सैंपल कलेक्ट करना है और एक ब्लड का सैंपल कलेक्ट करना है, और फिर यूरिन में इनुलिन का कंसंट्रेशन मेजर करके और सीरम में इनुलिन का कंसंट्रेशन मेजर करके हम इस फॉर्मूले की हेल्प से इनुलिन क्लियरेंस टेस्ट निकालेंगे। तो इनुलिन क्लियरेंस टेस्ट की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 120 टू 125 ml पर मिनट, और आप देख सकते हैं कि जो रेंज है ये GFR की रेंज से काफ़ी मिलती है। इनुलिन क्लियरेंस टेस्ट जो होता है वो GFR को मेजर करने के लिए एक एक्यूरेट मेथड होता है, बट क्योंकि इनुलिन जो होता है वो एक एक्सोजेनस सब्सटेंस होता है, यानी कि हमें बाहर से देना पड़ता है इसको बॉडी में, तो इसलिए ये एक इसका एक ड्रॉबैक है। सेकंड है यूरिया क्लियरेंस टेस्ट। यूरिया क्लियरेंस टेस्ट भी जो होता है वो बहुत पहले यूज़ किया जाता था, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो होता है थोड़ा सा लूप ऑफ हेनली में रीअब्सॉर्ब हो जाता है, तो यूरिया क्लियरेंस टेस्ट जो होता है वो अब इतना यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट होता है वो इतना एक्यूरेट नहीं होता, बट फिर भी क्लिनिकली यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एक एंडोजिनस सब्सटेंस होता है, यानी कि हमारी बॉडी में ये बनता है। ओके, कहाँ से बनता है? ये मसल्स के ब्रेकडाउन से बनता है। तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? इसके लिए हमें 24 आवर्स का यूरिन सैंपल चाहिए होता है। अगर किसी को क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट कराना है तो पेशेंट को बोलना होता है कि अगर मॉर्निंग में, जैसे कि 7 बजे अगर ये टेस्ट शुरू हो रहा है, तो मॉर्निंग में 7 बजे यूरिन का सैंपल जो है पास करना है, उसको डिस्कार्ड करना है, कलेक्ट नहीं करना, और उसके बाद से टाइम स्टार्ट करना है, नोट करना है, और उसके बाद से जितना सैंपल यूरिन का आ रहा है उसको एक प्रिजर्वेटिव में कलेक्ट करना है, और अगले दिन 7 बजे तक जितना भी यूरिन आया है उसको कलेक्ट करना है, और फिर उस 24 आवर्स यूरिन का जो सैंपल है उसको कलेक्ट करने के बाद हमको मेजरिंग सिलेंडर से मेजर करना है, और इस यूरिन कलेक्शन के दौरान पेशेंट की बाजू से एक ब्लड का सैंपल भी कलेक्ट करना होता है, और फिर इस फॉर्मूले की हेल्प से कंसंट्रेशन ऑफ क्रिएटिनिन इन यूरिन इनटू रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्रिएटिनिन इन ब्लड इनटू 1440। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट को निकालेंगे। क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है मेल में 100 टू 120 ml पर मिनट, और फीमेल्स में होती है 95 टू 105 ml पर मिनट। अब क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट में एक प्रॉब्लम होती है पेशेंट को कि उनको 24 आवर्स का यूरिन का सैंपल कलेक्ट करना होता है, ठीक है, और फिर 24 आवर्स तक जो है वेट भी करना है, और फिर पेशेंट को यूरिन का सैंपल भी देना है, ब्लड का सैंपल भी देना है, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक मैथमेटिकल फार्मूला निकाला गया, ठीक है, जिससे हम GFR को मेजर कर सकें, ठीक है, जिससे हम GFR को एस्टिमेट कर सकें, और उसको हम बोलते हैं EGFR, एस्टिमेटेड GFR। और ये जो एस्टिमेटेड GFR का फार्मूला होता है ये ऑनलाइन, ठीक है, फ्री अवेलेबल होता है। इसमें बस पेशेंट के ब्लड का क्रिएटिनिन वैल्यू डालना है, और उसका एज, सेक्स, वेट डालना है, और कैलकुलेट बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो जो GFR है, एस्टिमेटेड GFR कितना है वो आपका बता देगा। तो पहले जो 24 आवर्स का यूरिन का सैंपल देना था, 24 आवर्स तक वेट करना था पेशेंट को, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, बस पेशेंट के ब्लड क्रिएटिनिन की वैल्यू डालनी है, पेशेंट का एज, सेक्स, वेट डालना है, कैलकुलेट बटन पे क्लिक करना है, और फिर जो एस्टिमेटेड GFR है वो निकल के आ जाएगा। EGFR को मेजर करने के लिए बहुत सारे फार्मूलाज हैं, ये बहुत ही ईजी होता है, इसमें यूरिन टेस्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है,
और ये ऑनलाइन अवेलेबल रहता है, आप जब चाहे जो है GFR मेजर कर सकते हैं। सेकेंड है ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट। ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट भी किडनी फंक्शन टेस्ट का ही एक पार्ट होता है। ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट हम इसलिए करते हैं ये चेक करने के लिए कि जो किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं वो किस तरीके से अपना वर्क कर रहे हैं। क्या वर्क होता है ट्यूब्यूल्स का? बॉडी में वाटर को रेगुलेट करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा पानी हो जाता है, अगर हम कभी बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो ये किडनी के ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो यूरिन होता है बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होता है। और अगर इन केस हमारी बॉडी में कभी पानी की कमी हो जाती है, जैसे कि हमारी बॉडी जो है डिहाइड्रेट हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो किडनी के ट्यूब्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी वाटर बचा हुआ है उसको निचोड़ लेते हैं, ठीक है, और जो यूरिन होता है उसको कॉन्सेंट्रेट करके बाहर निकालते हैं, जिस वजह से हमारा यूरिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा पीला होता है। तो किडनी के ट्यूब्यूल्स जो हैं वो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट और डाइल्यूट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये पता करने के लिए हम ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट करते हैं। और ये ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की मदद से करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी बताता है कि यूरिन में सॉल्यूट्स का कंसनट्रेशन कितना है। अगर यूरिन में सॉल्यूट्स का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कम होगी, और अगर यूरिन में सॉल्यूट्स का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हाई होगी। तो यहाँ पे हम दो तरीके से यूरिन में स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करेंगे। फर्स्ट, कि जो किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं उनमें यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने की एबिलिटी है या नहीं है, मतलब कि जो किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं वो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं। सेकंड स्टेप में हम देखेंगे कि जो किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं क्या उनमें यूरिन को डाइल्यूट करने की एबिलिटी है, मतलब क्या वो यूरिन को डाइल्यूट कर पा रहे हैं। तो किडनी के ट्यूब्यूल्स यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये चेक करने के लिए हमें एक पर्सन को 12 से 14 घंटे बिल्कुल भी पानी नहीं देना है, और फिर 14 घंटे के बाद उसको एक यूरिन का सैंपल कलेक्ट करना है और उस यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करना है। तो जाहिर सी बात है, उसने 12 से 14 घंटा बिल्कुल भी पानी नहीं पिया है तो जो किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं वो बॉडी में वाटर को क्या करेंगे, बचा के रखेंगे, उसको यूरिन के रास्ते नहीं निकालेंगे, तो ऐसे में यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेट होगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई है, इसका मतलब कि जो किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे कि जो किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं क्या वो यूरिन को डाइल्यूट कर पा रहे हैं या नहीं। इसके लिए हमें पेशेंट को बहुत सारा पानी पीने के लिए बोलना है और फिर उसके बाद उस पेशेंट को 2 घंटे तक वेट करना है। 2 घंटे के बाद पेशेंट को एक यूरिन का सैंपल देना है और फिर उस यूरिन के सैंपल का हम स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा पानी है तो जो किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं उन्होंने एक्स्ट्रा वाटर को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि किडनी के जो ट्यूब्यूल्स हैं वो किस तरीके से अपना फंक्शन कर रहे हैं। और ये जितने भी टेस्ट के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, जैसे कि यूरिया एस्टिमेशन, क्रिएटिनिन एस्टिमेशन, यूरिक एसिड एस्टिमेशन, ग्लोमेरुलस फंक्शन टेस्ट एंड ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट, ये सारे तो किडनी फंक्शन टेस्ट में आते ही हैं, बट इन सभी टेस्ट से पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो हमको बताता है कि जो हमारी किडनी है वो किस तरीके से वर्क कर रही है, कहीं उसमें कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं वो डैमेज तो नहीं हो रही, कहीं उसमें कोई डिजीज़ तो नहीं है। तो वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है यूरिन REME, यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी, और इसे यूरिन एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इसमें बस एक यूरिन का सैंपल देना होता है और इससे हमें किडनी के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि अगर यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो फिर इससे पता लग जाता है कि किडनी जो है वो डैमेज हो रहा है, जो ग्लोमेरुलस है वो डैमेज हो रहा है। अगर यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है तो भी किडनी डैमेज हो रही है, या फिर अगर माइक्रोस्कोपिक में यूरिन में कास्ट आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल सेल्स प्रेजेंट है तो भी किडनी डैमेज हो रही है, या फिर अगर यूरिन में एबनॉर्मल क्रिस्टल्स प्रेजेंट है तो ये भी हमें बताता है कि किडनी में स्टोन हो सकता है। तो यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और इससे हमें किडनी के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसी के साथ किडनी फंक्शन टेस्ट का ये लेक्चर आज कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।